जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान मंसूर इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेस ऑफ पाकिस्तान। देखें जी, मैं आज यहाँ आया हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे मैंने काफ़ी देखा है कि कोई सर्विस यहाँ पे नहीं ठीक। यहाँ पे आके मैंने यहाँ लोगों को देखा है किस तरह बैठे हैं और यहाँ पे जो सर्विस का हाल है कोई हाल नहीं है। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे जो नाले हैं इधर ये देखें आप, पानी जमा है, पानी बाहर निकल रहा है और यहाँ से रेलवे ऊपर से गुजर रही होती है। ये देखें, ये सबका यही हाल है। आगे भी मैंने जाके विज़िट किया, सबका यही हाल है। पता नहीं यहाँ पे इंतज़ामिया चेक करने वाली नहीं है या खुद ही वो नहीं करते, पता नहीं कैसे यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं। जो अंग्रेज़ का दौर का बनाया गया रेलवे है अभी तक वही चल रहा है। चलें वो तो ठीक है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो बना सके, लेकिन जो है उसे तो मेंटेन रखें। जो हमारे सबका मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, वो कहते थे पाकिस्तान ये रेलवे काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन समझ नहीं आती वो किस चीज़ की बात करते थे। या वो जो हमारे सबका जो नून लीग के दौर के ख्वाजा साद रफीक साहब थे, उन्होंने वो भी काफ़ी कहते हैं कि मैंने ये तब्दील कर लिया वो किया, लेकिन समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या किया था। यहाँ पे हाल है जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी ज़्यादा जो पैसे लगने वाला काम भी नहीं है कि पैसे नहीं है हुकूमत के पास कि वो उसे ठीक कर सके। ना नई पटरियाँ बनानी है, ना कोई नए रेलगाड़ीज़ लेने हैं, ना रेलवे लेनी है। छोटे छोटे जो मसले हैं ठीक करने वाले वो नहीं ठीक हो रहे। अब यहाँ पे ये देखें, सारा सिस्टम देखें आप, ये देखें आप, विज़िट करें इसका, यकीन करें दिल यहाँ पे आके दिल अफसरदा हो गया जब मैंने यहाँ पे देखा है ना, कोई मामलात नहीं ठीक यहाँ के रेलवे के। जब हुकूमत से वो कोई बात करे तब भी पैसे नहीं हैं। चलें वो मामलात की हद तक तो ठीक है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है कि वो इसको ठीक करे, लेकिन ये जो नाले गंदे गंदे भरे हुए हैं यहाँ पे, इनको तो ठीक करें। ये इंतज़ामिया से मैंने यहाँ पे, मैंने अपने ऑफिस में यहाँ पे रेलवे के ऑफिस में भी मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि इसे ठीक किया जाए, इसे देखें। और मैंने तस्वीरें बनाकर चीफ वो प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल में मैंने डाल दी है तस्वीरें, और उम्मीद है कि इसे जल्द अज जल्द देखा जाएगा और इसे ठीक किया जाएगा। यकीन करें कि यहाँ पे जो रेलवे का हाल है, देख उस पर बैठने का दिल भी नहीं करता, ना आज तक हमने सफ़र किया रेलवे पे, क्योंकि इसकी परसेप्शन ठीक है ही नहीं लोगों के दिलों में, ना कि ना इस पर सफ़र करते हैं जो बड़े लोग हैं। पर गरीबों की सवारी है जहाँ 6 घंटे लगते हैं ड्यूरेशन, वहाँ पे 12 घंटे लगते लोग जाते हैं क्योंकि किराए थोड़े सस्ते हैं, इस वजह से गरीब लोग हैं जो इस पर सफ़र करते हैं। और यहाँ पे मैंने बाहर देखा है, ये देखें, मैंने मास्क उठाया हुआ है और यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था 500 रुपये जुर्माना जो मास्क नहीं पहनेगा। लेकिन यकीन करें कोई एक इंतज़ामिया का बंदा नहीं है जो कि ये देखे कि किसने मास्क पहना हुआ है किसने नहीं पहना हुआ है। हालांकि ये कुली खड़े हैं सारे, ये देखें ये कुली यहाँ पे हैं। अब ये देखें कि कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है, किसी ने भी नहीं पहना हुआ तकरीबन, ऐसे ही लोग घूम फिर रहे हैं और बाहर लिखा 500 रुपये जुर्माना जो मास्क नहीं पहनेगा। अब इंतज़ामिया से गुजारिश भी मैंने की है, मैं इस चैनल के थ्रू भी कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया यहाँ क्या देखे, जो यहाँ पे सफाई करने वाले चीज़ें हैं वो उसे लाजमी साफ़ करें, ताकि ये जो लोग हैं यहाँ पे, इसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी फैलती हैं। यहाँ पे लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं, ये देखें लोग वेट कर रहे हैं और दरमियान से नाला गुजर रहा है, वो सारा पानी बाहर निकल रहा है, सफाई का निज़ाम है ही नहीं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके जल्द अज जल्द इसे ठीक करें, और मैंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, इंशाल्लाह जल्द ये ठीक कर दिया जाएगा। जी आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान मंसूर इब्राहिम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।